वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। विषय हिंदी, कक्षा 5, पाठ 11, सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है, वही महान बनता है। इस पाठ में सच बोलने वाला एक बालक डाकुओं को भला आदमी बना देता है। एक समय की बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। एक मोटो काफिलो बगदाद तरफ जा रहो हतो। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे। रास्ता में तेना ऊपर डाकुओ टूटी पड़िया अने लूट फाट करवा लाग्या। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। ते काफला में एक 9 वर्ष नो बाड़क हतो। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। ते एक बाजुए चुपचाप उभो रही ने आ लूटफाट जोई रहो हतो। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। एक डाकू ने नजर ते छोकरा पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? छोकरा नी पासे आई ने ते डाकू कठोरता थी बोलियो, तारी पासे पण काईक छे? लड़का बोला, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। छोकरो बोलियो, मारी पासे 40 सोना मोहरो छे। डाकू चकित होकर बोला, क्या कहा, तेरे पास 40 अशरफियां हैं? डाकू चकित थईने बोलियो, सू कह्यो, तारी पासे 40 सोना मोहरो छे? लड़का बोला, जी हाँ। छोकरो बोलियो, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। यह लड़का अपने पास 40 अशरफियां बताता है। डाकू छोकरा नो हाथ पकड़ी ने तेने सरदार पासे लई गयो। तेने सरदार ने कह्यू, आ छोकरो पोतानी पासे 40 सोना मोहरो छे एम कहे छे। सरदार लड़के से बोला, तेरी अशरफियां कहाँ हैं? सरदार छोकरा ने कहे छे, तारी सोना मोहरो क्या छे? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियां निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। छोकरा ए पोतानू जाकिट फाड़ी ने तेमा छुपायेली सोना मोहरो काढ़ी तेमने सरदार नी सामे मुकता। छोकराए कह्यू, आ जुओ। सरदार आश्चर्य से बोला, लड़के, अशरफे को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? सरदार आश्चर्य थी बोलियो, छोकरा, सोना मोहरो ने आवी रीते मुकवानो उपाय तने कोणे बताव्यो? लड़का बोला, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। छोकराए कह्यू, मारी माए आ सोना मोहरो ने जाकिट ना अस्तर में सीवी दीधी हती, जेथी कोई ने खबर न पड़े। सरदार बोला, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? सरदारे कह्यू, तो ते आ सोना मोहरो नी जाण अमने सा माटे करी? लड़का बोला, मैं झूठ कैसे बोलता, मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। छोकराए कीधू, हूँ खोटू केवी रीते बोलू? मारी माए कह्यू हतु, बेटा हमेशा साचू बोलजे, झूठू बोलवु ए पाप छे। सरदार डाकुओ से बोला, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते हैं। सरदारे डाकुओ ने कह्यू, आ ननकड़ो छोकरो पोतानी मानू कह्यू एटलू माने छे, ते आवा संकट मा पण खोटू बोलतो न बोल्यो नथी। आपणे मोटा थईने पण ईश्वरे दर्शावेला साच्चा मार्ग पर चालता नथी अने लूटफाट करता रहीए छीए। सब डाकू बोले, सरदार बात तो ठीक है। बधा डाकुओ कहेवा लाग्या, सरदार आपनी वात तो साची छे। सरदार डाकुओ से बोला, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूट मार न करने की प्रतिज्ञा की। सरदार ने डाकुओं ने कीधु, आ लोकोनो लूटेलो सामान एमने पाछो आपी दो। डाकुओं बधो सामान पाछो आपी दीधो अने भविष्य में क्यारे लूट न करवानी प्रतिज्ञा करी। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर वह यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। साचू बोलनारा आ बाड़क नु नाम अब्दुल कादिर हतो। मोटो थई ने आ बाड़क महान संत थयो। तेमनी समाधि बगदाद मा छे। त्यां दर वर्षे खूब मोटी संख्या मा लोको दर्शन करवा जाए छे। विद्यार्थी सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, सदैव सच बोलना चाहिए और कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अभ्यास की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।